प्रशासन ने सभी से अपने घरों में रहने की अपील यहां पर की है। नवा दिन है महाकर्फ्यू का और ये महाकर्फ्यू लगातार जारी है। शहर और कॉलोनियों में आपको बता दें सन्नाटा पसरा हुआ है। हॉस्पिटल और कलेक्टर परिसर में सैनिटाइजर चैंबर लगाए गए हैं। भीलवाड़ा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा यहां पर 28 पहुंच चुका है। 25 पॉजिटिव नेगेटिव हुए। गरीब लोगों तक खाद्य सामग्री यहाँ पर लगातार पहुंचाई जा रही है क्योंकि महाकर्फ्यू जारी है। ऐसे में उन लोगों की सुविधाओं का भी बखूबी ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की असुविधा यहां पर लोगों को ना हो, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और साथ ही प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें। गरीब लोगों तक खाद्य सामग्री लगातार यहां पर पहुंचाई जा रही है ताकि असुविधा किसी को भी ना हो। लगातार नवे दिन भी महाकर्फ्यू जारी है और साथ ही प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि घरों में रहें। शहर और कॉलोनियों में यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर अधिकारी यहां पर तैनात हैं। भामाशाहों के सहयोग से हॉस्पिटल और कलेक्टर परिसर में सैनिटाइजर चैंबर भी यहां पर लगाए गए हैं। 28 कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा पहुंच चुका है। 25 पॉजिटिव यहां से नेगेटिव भी हुए हैं। थोड़ी राहत की खबर, लेकिन जिस प्रकार से लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू नवे दिन भी जारी है। भीलवाड़ा मॉडल ने बहुत काम शुरू में किया, देश भर में इसकी प्रशंसा लगातार हो रही है और इसीलिए प्रशासन अभी भी लगातार तैनात है और सभी लोगों से अपने अपने घरों में रहने की लगातार अपील कर रहा है। और साथ ही जो लोग गरीब हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, उन तक लगातार खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है ताकि किसी प्रकार की असुविधा उन्हें ना हो। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता योगेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, देखिए भीलवाड़ा मॉडल की हर जगह प्रशंसा हो रही है देश भर में और यहां पर जिस प्रकार से नवे दिन भी महाकर्फ्यू जारी है, लोगों तक खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है, किस प्रकार से सभी सुविधाओं को ख्याल में रखकर यहां पर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू का नौवां दिन है और यहाँ कर्फ्यू का 22वां दिन है। 22वें दिन भी लगातार जो कर्फ्यू की स्थिति है बिल्कुल सफलता में, इसका कारण है प्रशासन का प्रबंधन। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने जो व्यवस्थाएं कर रखी है यहाँ आमजन के लिए, कर्फ्यू महाकर्फ्यू के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे फल फ्रूट की हो, चाहे राशन सामग्री की हो, ये आदमी के घर घर पहुंच रही है। और मेडिकल और राशन सामग्री और फल विक्रेताओं की इस तरह व्यवस्था कर रखी है कि वो उनके घर पे जाए, फोन करेंगे तो वो होम डिलीवरी के रूप में घर पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ हम बात करें कि निर्धन और कच्ची बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास भी कोई भूखा न सोए, इसलिए इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। UIT भीलवाड़ा द्वारा इसका संचालन हो रहा है और दानदाताओं और भामाशाहों के सहयोग से सुबह और शाम रेडीमेड यानी कि भोजन सामग्री प्लस भोजन के पैकेट उनके पास घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए वो एक साथ इकट्ठा नहीं हो, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहो, हम आपको खाद्य सामग्री घर पे लाके देंगे। जी बिल्कुल योगेश, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें लगातार प्रशासन मुस्तैद है और सभी से अपने घरों में रहने की लगातार अपील कर रहा है। लगातार शहर और कॉलोनियों में यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन हर जगह मुस्तैद है और जरूरतमंद और जो गरीब लोग हैं उन तक खाद्य सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है।